23 अप्रैल पिछले 24 घंटे में एक दो जगह करके थंडरस्टॉर्म के साथ बारिश हुआ है। रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का काशीपुर में 8.2 मिलीमीटर बारिश हाइस था और मैक्सिमम टेम्परेचर इंडोनेशिया का डिस्ट्रिक्ट में कल क्लाउडीनेस था डे टाइम में, तो उसके बाद से टेम्परेचर कुछ कुछ स्थानों पर 3-4 डिग्री फॉल किया था। तो हाइस्ट मैक्सिमम टेम्परेचर था हमारा पारलेखा मुंडी 41.0 और बोध 41.0 डिग्री सेल्सियस। भुवनेश्वर सिटी में टेम्परेचर कल हमारा ड्राई नॉर्थ वेस्टर्ली विंड का वजह से राइज किया था, 40.8 डिग्री सेल्सियस था। अभी हमारा अगला 5 दिन का जो फोरकास्ट है, मेनली अगला 5 दिन में हमारा पहले 3 दिन टेम्परेचर ग्रेजुअली 3-5 डिग्री तक कुछ कुछ स्थानों पर मेनी प्लेसेस में राइज करने का चांसेस है। इसका वजह से हमारा 25, 26, 27 इस पीरियड में हीट वेव कंडीशन कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में होने का चांसेस है। जैसा हमारा बोलांगीर, सोनपुर, बौद्ध, मयूरभंज और कालाहांडी बाकी डिस्ट्रिक्ट में भी हमारा टेम्परेचर स्वाभाविक से ज्यादा रहने का चांसेस है। मेनली इंडोनेशिया का डिस्ट्रिक्ट में 3-4 डिग्री तक स्वाभाविक से ज्यादा रहने का चांसेस है। और अभी रेनफॉल का जो है थंडरस्टॉर्म के साथ एक दो जगह करके बारिश हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में ड्राई वेदर रहने का चांसेस है। जैसे अगला 24 आवर्स में हमारा मालकानगिरि, कोरापुट, नवरंगपुर, रायगढ़, गजपति, मयूरभंज, बालासोर, केन्दुझर, नोआपाड़ा, कंधमाल ये सब डिस्ट्रिक्ट के अंदर में एक दो जगह में बारिश थंडरस्टॉर्म के साथ हो सकते हैं, बट मोस्टली मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में ड्राई वेदर रहने का चांसेस है। भुवनेश्वर सिटी में आज टेम्परेचर 41-42 का बीच में रहने का चांसेस है। और भुवनेश्वर सिटी में अभी हमारा नॉर्थ वेस्टर्ली नॉर्दर्ली विंड प्रिवेल कर रहे, तो इसमें ड्राई वेस्टर्ली विंड्स आने का प्रभाव से टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है। और अभी हमारा बाकी कोस्टल विशाखा डिस्ट्रिक्ट में भी टेम्परेचर ज्यादा चेंजेस नहीं होगा, इंडो विशाखा डिस्ट्रिक्ट में टेम्परेचर तो राइज करेगा।